ये बंदा ब्लॉगिंग के चक्कर में सारा कुछ टेस्ट करता है यार, और इसने कुछ नहीं बनाया, लड़कियों से इसने काम करवाया सारे। Hello everyone guys, so this year Vaidya Dhruv Bansal and I am a first year BMS student at GEC Patiala and thank you so much for clicking on this video. So guys, आज जो है हमारा chef competition है, that is Ayurvedic chef competition है, जिसके अंदर जो है हम Ayurvedic dishes बनाएंगे। हमारे कॉलेज के अंदर जो है Ayurvedic week मनाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने सारे वीक को कवर किया है, तो आप पहले जो है आई बटन के ऊपर मैंने लिंक दिया होगा, तो आप वो जाकर देख लीजिए। एंड जो है ना, मैं ये ब्लॉग स्पेशली क्यों बना रहा हूँ अलग से, है ना, मैं उसके अंदर भी डाल सकता हूँ, लेकिन ये स्पेशली क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें जो है आपके भाई ने भी अपना पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, मैं भी जो है शेफ कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। एंड लाइक हम जो है काफ़ी अच्छी सारी डिशेज बनाकर लेकर आए हैं, ठीक है, मैं अपनी टीम से भी मिलाऊँगा, बाकी सभी टीम से भी मिलाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी टीम से मिलाते हैं आपको। तो गाइस, हमारी टीम में जो है दीक्षा एंड मानसी पांडे, हमारे स्पोर्टर विनीत एंड हमारे हैरी भाई, हमारी टीम नंबर है 2, और जो है दीक्षा भी काम कर रही है काफ़ी ज़्यादा, तो काम करती रहे, तो इधर ना देख, ये देखिए कितना प्यारा जो है सजा कर लाए हम, क्या बात है। हमारी जो है स्वीट डिश आ चुकी है, तो गाइस ये जो है हमारे अपने टेबल नंबर 1 के डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या बनाया आपने? अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ है? ओके ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा गाइस, ये जो है हमारा टेबल है, दैट इज नंबर 2। तो हमने क्या क्या बनाया भाई? हमारा जो है मसाला, सानू जो भी बाजार च लभ्या सी पा लिया, ठीक है। नहीं यार, मसाला कौन है, देख दीक्षा ने बहुत मेहनत की थी, ठीक है, आपने नहीं किया, बीटरूट पैटीज ने किया, ठीक है। हमारे जो है वो पापड़ कौन है, हमारा जो है स्वीट डिश है, एंड हमारा बनी हमारे पास है, ठीक है। बाकी ये जो है हमारा आलमंड मिल्क है, ये जो है हमारी ग्रीन टी है। बाकी तो गाइस, ये जो है हमारा टेबल नंबर 3 है, डॉक्टर साहब हमारे सेकंड ईयर के डॉक्टर हर्ष हैं, हमारे डॉक्टर समीर हैं। क्या क्या बनाया डॉक्टर साहब? की बनाया जी, की बनाया डॉक्टर साहब, थोड़ा एक्सप्लेन करो। चिंचा पान के गोलगप्पे। क्या दे? चिंचा पान के गोलगप्पे। चिंचा पान के अंदर इमली सारा से निकाल के, उसके बाद काली मिर्च, जीरा पाउडर, अच्छा, ये सब पा के बीच मिक्स करके, बीच में शुगर पा के, ठीक है ठीक। बाकी आप टेस्ट करके जरूर देखेंगे, आ रहेंगे हले। तो ये जो है हमारा टेबल नंबर 4 है, हमारे सेकंड ईयर के सीनियर्स हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या बनाया है? हमने बनाया है, ये बनाया है पुदीने की चटनी, ओके, जीत कुमारी की सब्जी, आंवले की चटनी और एलोवेरा जूस, और ये डायबिटिक पेशेंट डाइट है, हेल्दी डायबिटिक। जी 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 ठीक है डॉक्टर साहब। ये जो है हमारा टेबल नंबर 5 है, डॉक्टर साहब क्या क्या बनाया आपने, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एपेटाइजर आ रहे हैं, एपेटाइजर में हमारे पास गोलगप्पे है, उसका आलू और प्याज का वो है, और ये साथ में हमारे पास वो है पानी है, ये पानी है हमारे पास त्रिफला का, त्रिफला का पानी है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट, स्किन फंक्शन एंड एक्सेट्रा बहुत सारे यूजेज हैं इसका। और परांठों के बाद हमारे पास चटनी, चटनी और उसके बाद हमारे पास पेठा, डॉक्टर साहब मैंने ना देख देख के तो पाले ज्यादा पानी आ रहा है मुँह, बस खान की तैयारी है, आ रहे हैं खान ली। डॉक्टर साहब भी ने गया टीम च, खत्म ही नहीं, खत्म ही नहीं हो। टेबल नंबर कितना है? टेबल नंबर है 7। अच्छा, रवा से बनवाई, ये कोकोनट चटनी है, ठीक है, इसमें टोमेटो चटनी रख रही है हमने, ठीक है, ये साबुदाना की खिचड़ी, ठीक है, ये बीटरूट का चिल्ला, अच्छा,
और ये है एक्चुअली डिश है मेरी तो सांबरी सैलेड, ये साउथ इंडिया का टिपिकल डिश है ये, और ये मेरी ये हिमाचली डिश है, ये एक लबाबू है ग्रित और तकरे सैलेड। डॉक्टर साहब ने इतना इतना कुछ बना रखा है डॉक्टर साहब ने। ये हमारी मस्त मखाना खीर है, इसमें मखाने और अभी हम षडंग पानी मोहितो बना रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इतना कुछ बना रखा है, मेरा हुनी जी कर रहे हैं आके देखिए आ रहे हैं डॉक्टर साहब थोड़े को। ये अपना टेबल नंबर है, टेबल नंबर 8 है। डॉक्टर साहब ने काफी सोना सजा रखे है। डॉक्टर साहब की बनाया है जी थोड़ा। अच्छा क्या क्या बनाया आपने? एक है ये पंजीरी है, अच्छा चने की, ये है आंवले की बर्फी, अच्छा ये है शकरकंदी की रबड़ी, मोरिंगा की आइसक्रीम, शकरकंदी की रबड़ी। हाँ जी, क्या बात है, बड़ी नई नई चीजें जो देखने को मिल रही हैं। देख के तो डॉक्टर मुंह में पानी आ रखा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो यूथ है वो आज कल मतलब फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो हमारी ये सोच है कि हम आयुर्वेदा को जो है वो फास्ट फूड में कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आज कल कैफेज वगैरह में बहुत जाती है, तो हमने ये थीम बनाई है आयुर्वेदिक फास्ट फूड। यहाँ पे आंवला मजीठे से लेके हमें बीट रूट टिक्की तक मिलेगी, और गिलोए के पकौड़े, बीटरूट ढोकला, क्या बात है, आपका सबसे यूनिक देखा मैंने अभी तक। और ये से आपको बता रही डेंगू का सीजन चल रहा है, पपाया हलवा, अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, पपाया का हलवा, ये कच्चे पपाया का हलवा होता है। ओके, और ये सबसे मोमोज आजकल बहुत ज्यादा पसंद है, रागी मोमोज, क्या बात है, मैदे की जगह रागी के मोमोज, क्या बात है डॉक्टर साहब, थोड़ा जेड़ा सबसे ज्यादा यूनिक देखा मैंने। बाकी खाने आएंगे हम, ठीक है। सो गाइस ये जो है हमारा टेबल नंबर है 10, डॉक्टर साहब कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमारे फोर्थ ईयर के सीनियर्स हैं, तो डॉक्टर साहब थोड़ा दसो जी की बनाया है। ये साबुदाने की टिक्की, एक मिनट, साबुदाने की टिक्की है, ये तिल की चटनी है, ये पांच शॉट्स हैं, अच्छा ये राइस पैन, मेरा देख के हैं जी कह रहे उन्हें कहा के देखिए, पर आप आवागे देखन खान भी आवागे। तो शाउट आउट टू आवर फोर्थ ईयर सीनियर्स, ये हमारा टेबल नंबर 11। तो डॉक्टर साहब क्या क्या बनाया आपने? क्या बिरयोजे बिरयानी, अजीजे हलवा, क्या नाम क्या रखे बहुत नाम कमाल रखे हैं डॉक्टर साहब ने, काफी अच्छे लग रहे हैं, खाने आएंगे। ये हमारा टेबल नंबर 12 है, और डॉक्टर साहब हैं हमारे एमडी वाले। तो क्या क्या बनाया डॉक्टर साहब आपने बताओ तो? सबसे पहले हमने सुबह अगर हमने चाय पी तो चाय हमें ऑयल, अच्छा अभी तक आपने खोल लेनी है, बाद में बिल्कुल गेस्ट तो के साथ में हमने स्नैक्स डाला है, साथ में जूस डाला है, उसके बाद मील में हमने एक खिचड़ी डाली हुई है, साथ में हमने सोयाबीन चंक्स की सब्जी डाली हुई है, हमने दो तरह की रोटी डाली हुई है, अच्छा सात्विक रोटी है ये, देखते हमने भी देखी है यूट्यूब पे, सैलेड है ये, चटनी है, और इसके बाद ये स्वीडिश है, मारवाड़ी स्वीडिश है जो वेट लॉस करने के लिए, ये स्पेशली हमारी जो टीम है वही है। बाय बाय। सो गाइस ये जो है हमारा टेबल नंबर 13, और ये जो है हमारे डॉक्टर आंचल एंड शिवानी मैम, और ये जो है हमारे एमडी वाले टीचर्स हैं। डॉक्टर साहब क्या बनाया आपने? ओके, अच्छा डॉक्टर साहब ओके, काफी अच्छा बनाया मैम, ऐसा लग रहा है अभी खा के देखते हैं, बाकी जजेस को आने दे उसके बाद हम खाएंगे। येलो वाटर में और क्या क्या है? Orange juice. No sugar added.
ये जो पंपकिन सीड कैंडी है ये कैसे बनाएंगे? हम ये इनको उनका लाभ बता रहे क्या है लाभ का ये आयुर्वेदिक फूड बनाया ना जैसे मेथी है मुर्गी हम लोग सभी अग्नि मान्य पेशेंट में हम लोग देते हैं सारे पेशेंट की अग्नि पहले से ही मंद होती है तो वो हेल्थ फूड पर डाइजेस्ट नहीं कर पाता इसलिए लघु होने के कारण सूप आती है एंटी ऑक्सीडेंट्स का काम करती है और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करती है ताकि पेशेंट हैवीनेस ना फील हो पेशेंट ਕਿੰਨੀ ਆਈਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਓ ਆਈਟਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ 8 9 9 ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੋਗੇ ਸਰ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਗੇ ਜੋ ਓਕੇ ਸਰ ये वाला मैम हमारा टेबल है फर्स्ट ईयर का है फर्स्ट ईयर का एक ही टेबल है हमारा हमने जो है सर 6 आइटम्स बनाई हैं सबसे पहले जो है हमारी बीट रूट पैटी है उसके बाद जो है हमारा मसाला कोन है उसके बाद जो है हमारा इधर स्वीट डिश में जो है हमारा रबड़ी फ्रूट अपना फ्यूज्ड कोकोनट है उसके बाद जो है हमारा फ्लेवर्ड टी है एंड जो है हमारा आलमंड मिल्क स्मूदी है उसके साथ ही जो है हमारा सर ये मतलब कि पापड़ में जो है वो फिलिंग की है इसका बेनिफिट क्या है आयुर्वेद के हिसाब से बेनिफिट सर ये है जैसे ये जो है हमारा इसके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो सर जो सातों धातु होती हैं उनको बनने में जो है काफ़ी मतलब ईजी होता है और जो जल्दी बन जाती हैं इसलिए जो है हमारा मतलब हमारा जो सिस्टम होता है वो इम्यूनिटी पे ज़्यादा काम कर पाता है ये मेयो डाला है नहीं मैम ये हमारा योगर्ट डाला है यस मैम थैंक यू मैम ये बाजरे जो मक्की सोयाबीन में मैग्नीशियम बहुत होता है और इससे मतलब रुक्ष होती है ना डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है गेम रूटीन होता है तो कुमारी शाह की कुमारी शाह कुमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है इससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है और हमने अमृति का भी बनाया कैसे लगे सर हैं सर जैसे डायबिटीज वाले के लिए जो डाइट होती है ठीक है कैसी लगी सर ये वाली कैसा है
क्या मिलाया सर? भांग मिलाई है जो दे रहे हो? भांग मिलाई है सर, इसमें भांग मिलाई है। मुटका नहीं दे रही मुटका कैसा लगा? समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इसमें खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है, सर्वरस सर्वरस सभी रस सर्वरस ठीक है। सर ने बिल्कुल सही जज किया है। ठंडाई कैसी है? सभी की राय लो। नहीं सर, आपके रिव्यूज मस्त हैं। ये क्या है डॉक्टर? ये क्या है? करेला। कैसा लगा हम करेला? कैसा लगा? इसमें चार पांच पीस कर दो, एक की सबको दे छोड़ दो। इसमें कलर ऐसे कैसे आ गया इसका? कलर डार्क कैसे हो गया इसका? कोकोनट का ये बढ़िया है। सर इसको नमक वाले पानी में, इसमें ये मेनली टिपिकली साउथ इंडिया की डिश है। इसमें जो है ग्रीन ग्राम है, उसके बाद स्प्राउटेड, उसके बाद है मखाना, उसके बाद है ये कुकम्बर, सर ये टमाटो चटनी। आपको आता है सर? कैसा लगा सर ये? अरे कुछ खट्टा है, बहुत टेस्टी लग रहा है यार। ये अच्छा लग रहा है, हम वीडियो बनाते रह गए। तू टीम नंबर 9 देखा ना? बिल्कुल सर, फोटो खींचो इनको सबका, बढ़िया से आने चाहिए सारे। क्या बात है सर, ये जैसे रखते हैं ना प्रोसीजर बताया वैसे ही रखा था, दिन में बता दूंगी। बस क्या फर्क है सर नॉर्मल वाटर और सोदक में? बिल्कुल मधुर रस इसमें जो है ज्यादा। अच्छा, ज्यादा मधुरता महसूस हो रही है। मतलब इससे पता लग सकता है कि हंसोदक और दूसरे में क्या फर्क है। ये जो चटनी है इधर आप खा सकते हैं, इसके अंदर कलौंजी वगैरह सब डाला हुआ है। कैसा लगा मैम? ये पपाया का अलग ही है, जैसे स्मूदी टू आंवला। हम सर वीडियो बनाते रहे। मैं तो यही चाहता था कि मैं ही खा लूं। थैंक यू सर। आप ऐसा करो, आप ना मुझे टेस्ट करवाते रहो, मैं रिव्यू दे दूंगा। ये हमारे हेलो सर, काफी टाइम हो गया। कैसे हैं सर? क्या क्या सर? सॉफ्ट है,
ग्रेटेड कोकोनट गुलकंद खान के देख सारे टीचर उधर लगे हुए आप अपना कैंप में मस्त है इधर वाले कहाँ गए सर कहते कि यार मुझे आगे बोलो के कहते मुझे वो खुश हुआ सर कह के हां सुन पत्र की हजरत और की सारे खाए तो खाते हैं बस आधा पानी सारे बस जाके अपनी क्लास के बड़े अभी हाँ अभी टीचर सो रहा ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਲੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੂਸ ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਵਿਆਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ शाउट आउट टू अवर सीनियर बहुत अच्छा बनाया डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ने बहुत सही बनाया है सारा कुछ बहुत बहुत मजा आया थैंक यू डॉक्टर ये अप्पम है ये साउथ इंडियन डिश है इसको चटनी के साथ खाना है कोकोनट चटनी और टमाटो चटनी इसके बाद ये एएम Thank you.
प्रिंसिपल सर ने बहुत तारीफ की है इसकी, हम खाके देखते हैं। आयुर्वेदिक आंवला बर्फी बहुत टेस्टी है। आप ध्रुव मैं भी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अक्षर, इतना का देखो ब्लॉगरों ने का फायदा है, सब कुछ मिल रहा है। थैंक यू सो मच अक्षर, बाय जी। थैंक यू। ये है जी अपना पपाया का हलवा। कैसा है टेस्ट मेरे को? मतलब मजा आ गया। ये ढोकला ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है, सच में मजा आया। ये बंदा ब्लॉगिंग के चक्कर में सारा कुछ टेस्ट करता है यार। वो इसने कुछ नहीं बनाया, लड़कियों से इसने काम करवाया सारे। कोई बात नहीं, तो क्या बात है सर, ये भी एक आदमी कह रहा है कि खापा बोलने आपको तो मैं जवाब दे रहा हूं आपको। नेस्ले इंडिया बात पिक करके अपना फूड बनाता है रेस्टोरेंट में और अरबों रुपए कमा रहे हैं। उनकी फॉरेन के अंदर भी चेन है, हर जगह उनकी है। बात पिक कर डायग्नोस करते हैं, यही खाना देते हैं, ये भी तुम्हारे काम आ जाते हैं, समझे ना। अगर हमारा कोई लगा जैसे ऐसे आपने लगाया लार्ज स्केल पे स्टार लगाए जिसमें बाहर से लोगों को बुलाएंगे तब हमारा नाम होगा। यस यस सर। सो गाइस खत्म हो गया सारा कुछ, सब ने उठा लिया है। तो डॉक्टर साहब बड़ी लेट आए ना, कि डॉक्टर साहब खान मिला कुछ? जट रहे हैं भाई। अच्छा खान मिला कुछ? खान मिला सारे? हाँ हाँ, क्या करके आप सभी को आज जो है काफी मजा आ गया इस व्लॉग के अंदर। सभी स्टूडेंट्स ने काफी मेहनत की थी, है ना। मैंने कई जनों का टेस्ट, मैंने मतलब ऑलमोस्ट सभी का टेस्ट किया था, दो चार को छोड़कर, है ना। तो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा सभी का, सभी ने अपने अपने एफर्ट्स जो है बहुत डाले। एंड लाइक जो रिजल्ट होंगे वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, वो टीचर्स को पता है ना, टीचर्स बताएंगे। लेकिन जो मैंने टेस्ट किया था, है ना, तो मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकता कि यार इसका ये बेस्ट है ना। मैं खुद क्योंकि मैं जज नहीं था, है ना, तो मैं क्यों ही कहूँ, है ना, ऑब्वियस बात है। तो जो मुझे हर एक टेबल पर कुछ स्पेसिफिक चीजें ना, हर एक टेबल पर मुझे अच्छी लगी। जैसे टेबल वन था वहां पर लड्डू काफी अच्छे थे, टेबल टू यानी कि जब हमारी खुद की टीम थी वहां पर जो है बीटरूट पैटीज, मसाला कॉर्न एंड एलमंड स्मूदी जो थी वो काफी अच्छी थी, है ना। हमारे जो थर्ड टेबल है उस पर गोलगप्पे, और गोलगप्पे का पानी बहुत स्वादिष्ट था। हमारे जो टेबल फोर्थ था वहां पर डायबिटिक डाइट थी, है ना, और वो बहुत जो है ना, मतलब अगर हम कहें कि भाई आयुर्वेदा के कॉम्पिटिशन के अराउंड, है ना, या फिर आयुर्वेदिक डिश बनानी थी तो उसके बेसिस पर बहुत जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी जो है अच्छी थी। एंड उनका आंवला जूस काफी बहुत जो है ना, जैसे हम बाजारों में पीते हैं वैसे वैसे हटकर था और बहुत ही टेस्टी था, है ना। उसके बाद जैसे पांचवा टेबल था तो उनका अनुपंच रस और बिरयानी बहुत अच्छी थी, बिरयानी तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड लाइक सेवन्थ जो टेबल था वहाँ पर एक हिमाचली डिश थी जिसको यवागू कहते थे, एंड साउथ इंडियन सैलेड था, एंड जो है हमारा मस्त मखाना खीर थी, तो वो बहुत सही थी, है ना चीजें। एंड लाइक टेबल नंबर एट जो था वो था हमारा, उस पर आंवला बर्फी, लाइक वो प्रिंसिपल सर को काफी अच्छी लगी आंवला बर्फी, सर ने ना प्रिंसिपल सर ने बहुत उसकी तारीफ की है। एंड जो है नाइन्थ टेबल पर मुझे पर्सनली पपाया हलवा बहुत अच्छा लगा, बेस्ट था मतलब, है ना। उसके बाद जो है हमारा टेंथ टेबल पर हमारे पांच शॉट्स थे जो मुझे अच्छे लगे। उसके बाद जो है इलेवंथ टेबल पर हलवा था, ट्वेल्थ टेबल पर जो है एक मारवाड़ी डिश थी, और सातवीं रोटी, है ना, सातवीं रोटी लाइक वो बहुत ही यूनिक थी, किसी ने नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी, लाइक बहुत ही अच्छी लगी। उसके बाद जो है थर्टीन्थ टेबल, है ना, जो हमारे एमडी वाले थे तो उन्होंने बीटरूट इडली बनाई थी, लाइक बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, है ना। सभी ने मेहनत की थी, हर एक चीज, हर एक जो टेबल था उसकी स्पेसिफिक चीजें बहुत ही अच्छी थी। एंड आई होप गाइज आपको ये जो ब्लॉग है काफी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है ना लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड जो है अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को, है ना, सभी को शेयर कीजिएगा। एंड स्टे सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक ठेका। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।